हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कि 11,000 की रेंज में आता हो, जिसमें आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने को मिले, जैसे कि आपको लंबी बैटरी, एक बढ़िया क्वालिटी वाला कैमरा और एक तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिले, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको 7 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो कि 11,000 की रेंज में आते हैं, जिसमें आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है कुलदीप कुमार, आप देख रहे हैं टू गुड टेक। अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट करने के लिए सिंपली अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सेवंथ नंबर पे हम बात करें तो सेवंथ नंबर पे नाम आता है रियलमी 5 का। ये स्मार्टफोन रियलमी की तरफ से 20 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 9,999 रुपए में मिल जाएगा। अब हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करें, इसमें आपको 6.50 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। रियर कैमरे के बारे में हम बात करें तो इसके रियर में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 12 MP+8 MP+2 MP+2 MP के हैं, और फ्रंट में आपको 13 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। रैम के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। बैटरी बैकअप के तौर पर इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 9P पर काम करता है। सेंसर के तौर पर इसमें आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी देखने को मिलेंगे। सिक्स नंबर पे हम बात करें तो सिक्स नंबर पे नाम आता है रियलमी नार्जो 20 का। ये स्मार्टफोन 21 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 10,499 रुपए में मिल जाएंगे। अब हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 6.50 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर इसमें आपको मीडियाटेक हेलो G85 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके रियर कैमरे के बारे में हम बात करें तो इसके रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 48 MP+8 MP+2 MP के हैं, और फ्रंट में आपको 8 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। रैम के तौर पर इसमें आपको 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। बैटरी बैकअप के तौर पर इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। सेंसर के तौर पर इसमें आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी देखने को मिलेंगे। फिफ्थ नंबर पर हम बात करें तो फिफ्थ नंबर पर नाम आता है मोटो G9 का। ये स्मार्टफोन 24 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 10,999 रुपए में मिल जाएगा। इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करें, इसमें आपको 6.50 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर इसमें आपको स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। रियर कैमरे के बारे में हम बात करें तो इसके रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 48 MP+2 MP+2 MP के हैं। फ्रंट में आपको 8 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। रैम के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। बैटरी बैकअप के तौर पर इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। सेंसर के तौर पर इसमें आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी देखने को मिलेंगे। फोर्थ नंबर पे मैं बात करूँ तो फोर्थ नंबर पे नाम आता है रियलमी C15 का। ये स्मार्टफोन रियलमी की तरफ से 28 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 8,999 रुपए में मिल जाएगा। इसमें आपको 6.50 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके रियर कैमरे के बारे में हम बात करें तो इसके रियर में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 13 MP+8 MP+2 MP+2 MP के हैं, और फ्रंट में आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जिससे आप HD में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी ले सकते हैं। रैम के बारे में हम बात करें, इसमें आपको 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। बैटरी बैकअप के तौर पर इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। सेंसर के तौर पर इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पे मैं बात करूँ तो तीसरे नंबर पे नाम आता है Redmi 9 Prime का। ये स्मार्टफोन 4 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 9,499 रुपए में मिल जाएगा। इसकी डिस्प्ले के बारे में हम बात करें, इसमें आपको 6.50 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर इसमें आपको मीडियाटेक हेलो G80 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके रियर कैमरे के बारे में हम बात करें तो इसके रियर में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 13 MP+8 MP+5 MP+2 MP के हैं, और फ्रंट में आपको 8 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। रैम के तौर पर इसमें आपको 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। बैटरी बैकअप के तौर पर इसमें आपको 5020 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि लंबे समय तक चलेगी। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। सेंसर के तौर पर स्मार्टफोन में आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी देखने को मिलेंगे। सेकंड नंबर पे मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पे नाम आता है Redmi Note 9 का।
ये स्मार्टफोन 30 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 10,999 रुपए में मिल जाएगा। इसमें आपको 6.53 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर इसमें आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके रियर कैमरे के बारे में हम बात करें तो इसके रियर में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP के हैं। और फ्रंट में आपको 13MP का कैमरा देखने को मिलेगा जिससे आप HD में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी ले सकते हैं। रैम के तौर पर इसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। बैटरी बैकअप के तौर पर इसमें आपको 5020mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि लंबे समय तक चलेगी। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। सेंसर के तौर पर इसमें आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी देखने को मिलेंगे। अब हम फर्स्ट नंबर पे बात करें तो फर्स्ट नंबर पे नाम आता है Redmi 9 Power का। ये स्मार्टफोन 17 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 10,499 रुपए में मिल जाएगा। इसमें आपको 6.53 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 662 का बड़ा प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब हम इसके रियर कैमरे के बारे में हम बात करें तो इसके रियर में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP के हैं। और फ्रंट में आपको 8MP का कैमरा देखने को मिलेगा। रैम के तौर पर इसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। बैटरी बैकअप के तौर पर इसमें आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि लंबे समय तक चलेगी। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। सेंसर के तौर पर इसमें आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी देखने को मिलेंगे। ये थे 7 बेस्ट स्मार्टफोन जो कि 11,000 की रेंज में आते हैं जिसमें आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने को मिले होंगे। आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा यह हमारी इस लिस्ट में अगर कोई स्मार्टफोन रह गया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका बजट इससे ज़्यादा है या इससे कम है या अगर आप किसी और कैटेगरी का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के जरूर शेयर करें। आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।